मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12th में हम लोग आज पॉलिनेशन के बाद जो टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे, है ना भाई। तो सब्जेक्ट बायोलॉजी आपका क्लास 12th है। जो टॉपिक आज का है वो है, एक प्रकार से आप पॉलिनेशन के बाद का जो टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आप पॉलिनेशन के बाद का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग देखेंगे। इट मीन्स फर्टिलाइजेशन, है ना। उससे पहले आपको देखना है पॉलन, जर्मिनेशन देखना है, ठीक है। पॉलन जर्मिनेशन, फिर पॉलन ट्रांसफर इन इन इग अपरेटस, ठीक है ना। ये तमाम प्रकार के छोटे छोटे जो टर्म्स हैं देखने हैं। और एक और टर्म्स है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग बोलते हैं बी ओ यू बी एल ई डबल फर्टिलाइजेशन। बच्चों ये जो टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। पॉलन जर्मिनेशन का जो टॉपिक है वो भी महत्वपूर्ण है। पॉलन ट्रांसफर इन ईग अपरेटस, या इस प्रोसेस को हम सिनगेमी भी लिख सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे टर्म्स मिलेंगे आपको, उसको ध्यान से देखना है। एक फिगर हम बनाएंगे, ठीक है, एक फिगर हम आपको बना करके दिखाएंगे, और उसी फिगर से ये तमाम प्रकार के जो टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ना, ये क्लियर होते चलेंगे। लेकिन आप बहुत ही एक्टिव होकर के समझिए, ठीक है। आइए सबसे पहले हम पिस्टिल को बनाते हैं, ठीक है। पिस्टिल, पिस्टिल इट मीन्स गाइनोसी, है ना। तो जो पिस्टिल होती है उसकी तीन मेन रचना होती है, उसी को हमें बनाना है और आपको भी बनाना है। आइए सबसे पहले हम पिस्टिल ड्रा करते हैं। तो लाइक ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट आपने ये फिगर जो है ड्रा कर लिया, ये पिस्टिल है। तो पिस्टिल का ये जो रीजन होता है, सपोज सबसे पहला जो प्रोसेस है वो पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन के थ्रू जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो आप देखेंगे ट्रांसफर होंगे। एनीवे ट्रांसफर होकर के आएंगे कहाँ, अल्टीमेटली ये जो रीजन है ना, लैंडिंग प्लेस ऑफ द पिस्टिल, दैट इज नोन एज स्टिग्मा, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको दिखाएंगे, या आप थोड़ा सा दूसरे मार्कर से दिखाने का प्रयास करेंगे तो और अच्छा है। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि एक ही पॉलन ग्रेन्स इस पिस्टिल के इस रीजन पर ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि एक से अधिक ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। अब इसका पूरा जो है फॉर्मेशन बना दीजिए, ठीक। और ये जो फॉर्म है इस पिस्टिल का, इसे आप लिख सकते हैं, लिखेंगे स्टिग्मा। और ये जो पार्ट आपको सिलेंडर बिल्कुल फिलामेंट की तरह जो रचना दिखाई दे रहा है, this is known as style, and then swelling part of this system pistil known as ovary, clear, ठीक है। अब चूंकि इसके अंदर जो सिस्टम हम लोगों ने ओव्यूल्स पढ़ाई है,
और उस ओव्यूल्स में हम लोगों ने जाना है कि कैसे इम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ऊपर वाले तीन सेल्स भी आप ड्रा कर लेंगे। माइक्रोपाइल एंडिंग की तरफ जो एक तरह से सिनर्जिक्स फिलिफॉर्म्स जो होते हैं, इसे हम देखिए एक और टर्म आपको आज नया बता देते हैं, एस वाई एन आर सिनर्जिक्स फिलिफॉर्म्स, फिलिफॉर्म्स स्ट्रक्चर, एस टी आर यू सी टी यू। ये जो सिनर्जिक फिलिफॉर्म स्ट्रक्चर होते हैं, इसको एक ये जो है इसका नाम सिनर्जिक फिलिफॉर्म स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, आइदर जो है इसे हम इग ऑपरेटर्स, तो आपको पहले बता ही चुके हैं ना, इग ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो नामों को जानना चाहिए, नामों को अगर एक से अधिक नाम आप जानते हैं तो आपके लिए बेटर होता है, अच्छा रहता है। ठीक है, इसमें आपको मालूम है कि जो दो साइड्स के सेल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं और बीच वाले जो कोशा होती है वो क्या होती है। ठीक है, ये देखिए ये आपने बना दिया, इसके इससे भी आप क्या कर सकते हैं विथ नॉमेनक्लेचर इसका कर सकते हैं। तो ये जो सेल्स है उसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। देखिए हम बार बार नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं ताकि बच्चे फिर भी बार बार बताने के बावजूद भी गलती करते हैं। ठीक है, इसलिए आज लास्ट ये इसका लेक्चर का ये है, तो आप ध्यान से बीच में जो सेंट्रल सेल रीजन होता है, ये जो बीच वाला जो रीजन होता है, इस रीजन में दो विशेष प्रकार के ऐसे इस प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं पोलर, पोलर एन यू सी एल ई आई, पोलर न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियस, यानी जो सेल सेंटर रीजन होता है उस रीजन में। तो ये एक तरह से इम्ब्रियो सैक है ना, इसको आप लिख सकते हैं इम्ब्रियो